नमस्कार, सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। थाना सिधारी अंतर्गत चिल्ड्रंस गर्ल्स कॉलेज में एक छात्रा श्रेया तिवारी के मौत के मामले में नामजद दो अभियुक्त हुए गिरफ्तार। प्रिंसिपल सोना मिश्रा, शिक्षक अभिषेक राय को किया गया गिरफ्तार। आपको बता दें कि 31 जुलाई 2023 को वादी ऋतुराज तिवारी द्वारा तहरीर दिया गया था कि उनकी पुत्री जो चिल्ड्रंस गर्ल्स कॉलेज आजमगढ़ में कक्षा 11 की छात्रा थी, दिनांक 31 जुलाई 2023 को प्रतिदिन की भांति विद्यालय गई हुई थी। विद्यालय के प्रिंसिपल व क्लास टीचर द्वारा प्रताड़ित किया गया तथा विद्यालय द्वारा उनके मोबाइल पर सूचना दी गई कि आपकी लड़की की तबीयत खराब हो गई है। परिजनों के विद्यालय आने पर उनकी लड़की की लाश विद्यालय में एम्बुलेंस में मिली, जिनके संबंध में उनके द्वारा विद्यालय के प्रिंसिपल व क्लास टीचर द्वारा उनकी लड़की की हत्या किए जाने के संबंध में धारा 302 IPC बनाम प्रिंसिपल व क्लास टीचर गर्ल्स डिग्री कॉलेज आजमगढ़ के ऊपर पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना विकास चंद्र पांडे प्रभारी निरीक्षक थाना सिधारी द्वारा की जा रही है एवं विवेचना SHO सिधारी व SHO महिला थाना की टीम गठित की गई है। विवेचना में संकलित साक्ष्यों से मुकदमा उपरोक्त में धारा 306 एवं 201 IPC का अपराध होना पाया गया है। प्रिंसिपल सोना मिश्रा, पत्नी प्रणव मिश्रा, निवासी 10/58 खत्री टोला चौक थाना कोतवाली को 3 अगस्त 2023 को प्रभारी निरीक्षक विकास चंद्र पांडे मैं हमरियान द्वारा मुकदमा उपरोक्त के सह अभियुक्त अभिषेक राय पुत्र हरेंद्र राय निवासी कृष्ण विहार गली ख्वाजा हारपुर थाना कोतवाली जनपद मऊ उम्र करीब 35 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर चिल्ड्रंस गर्ल्स कॉलेज हरवंशपुर के प्रिंसिपल कक्ष से गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 31 जुलाई को थाना सिधारी अंतर्गत चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में घटना घटित हुई थी। इसमें थाना सिधारी पर धारा 302 के अंतर्गत FIR पंजीकृत की गई थी। इस FIR में दोनों नामजद अभियुक्त स्कूल की प्रिंसिपल सुमन मिश्रा और क्लास टीचर अभिषेक राय, इन दोनों को गिरफ्तार करके रिमांड के लिए जनपद न्यायालय भेजा जा रहा है। इस प्रकरण की विवेचना के लिए COCT के पर्यवेक्षण में SHO सिधारी और SHO महिला थाना की एक टीम गठित की गई थी, जिनके द्वारा पूरा साक्ष्य संकलन किया गया है। अभी तक के संकलन के दौरान विद्यालय में लगे CCTV कैमरा और उसके DVR जब्त करते हुए CCTV फुटेज का अवलोकन किया गया है। फुटेज से 31 जुलाई को लगभग 12 बजे के बाद से छात्रा का प्रिंसिपल के कमरे में जाना, बाहर आना, कमरे के बाहर काफ़ी देर तक खड़े रहना और लगभग 1:15 बजे के आसपास प्रिंसिपल के कमरे से तेजी से सीढ़ी के रास्ते ऊपर जाते हुए तीसरी मंजिल पर जाना प्रमाणित हुआ है। एक अन्य फुटेज में छात्रा के गिरने का वीडियो भी प्राप्त हुआ है, जिसको विवेचना में शामिल किया गया है। रेल यूनिट द्वारा घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान बेंजीडीन टेस्ट किया गया, जिससे यह प्रमाणित हुआ कि जिस जगह पर छात्रा गिरी थी वहां पर ब्लड की मौजूदगी थी, लेकिन उस ब्लड को स्कूल के कतिपय लोगों द्वारा वहां से साफ कर दिया गया था, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इस जगह को पानी डालकर साफ करने का प्रयास किया गया है। यह साक्ष्य मिटाने का अपराध है, इसीलिए धारा 201 IPC का समावेश भी इस विवेचना में किया गया है। वादी पक्ष से कुछ ऑडियो भी पुलिस को प्राप्त हुए हैं, जिनको विवेचना में हमारे द्वारा शामिल किया गया है। छात्रा के मोबाइल को प्रिंसिपल के पास से आज सुबह बरामद कर लिया गया है। इस मोबाइल में जो सिम लगा है वो छात्रा के पिता के ID पर लिया गया है और CDR एनालिसिस से ये प्रमाणित हुआ है कि मोबाइल छात्रा के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी तक की विवेचना से बात प्रकाश में आई है कि अभियुक्तों द्वारा छात्रा के पास मोबाइल मिलने की बात को लेकर प्रोफेशनल काउंसलिंग ना करते हुए इसकी बजाय अत्यंत ही इनसेंसिटिव और अमानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए छात्रा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। घटना वाले दिन भी छात्रा को उसकी क्लास अटेंड कराने के बजाय प्रिंसिपल रूम में बुलाया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। सजा के रूप में उसको प्रिंसिपल रूम के बाहर काफ़ी देर तक खड़ा रखा गया। इसी मानसिक प्रताड़ना और सार्वजनिक रूप से प्रिंसिपल रूम के बाहर खड़े होने में छात्रा को महसूस हुआ होगा। जाहिर सी बात है कि वो उसके सहपाठी है, तो बेहतरी उसको महसूस हुई होगी। इन्हीं सब मानसिक प्रताड़नाओं के कारण उसके द्वारा तत्काल वहाँ से निकलते हुए और ऊपरी मंजिल पर जाकर वहाँ से छूटकर आत्महत्या कर ली गई। अभी तक की विवेचना से जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उसके आधार पर धारा 306 और 201 IPC के अपराध में इनके रिमांड के लिए इनको कोर्ट भेजा जा रहा है। पुलिस की विवेचना अभी जारी रहेगी। स्कूल है, उसके स्टाफ और इच्छुक छात्राओं के बयान भी अंकित किए जाएंगे। विवेचना को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से साक्ष संकलित करते हुए गठित टीम द्वारा संपादित किया जाएगा। अगर किसी अन्य व्यक्ति का भी नाम इसमें प्रकाश में आता है तो साक्ष संकलन की कार्रवाई करते हुए उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इस प्रकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो अवलोकन किया गया है और अन्य साक्ष्य संकलित किए गए हैं, उससे इस प्रकार का कोई भी साक्ष्य अभी तक पुलिस को प्राप्त नहीं हुआ है। परिजनों का बयान विस्तृत रूप से लिया गया है। उस बयान में जितनी भी बातें उनके द्वारा की गई है, हर एक बिंदु पर बहुत अच्छे तरीके से विवेचना करते हुए आपको विवेचना संभाल सकते हैं।
ये जो परिजनों ने जो बयान दिए हैं और अन्य साक्ष्य संग्रहित किए गए हैं, क्योंकि अभी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास ना सीसीटीवी फुटेज है जिसका हम लोग अवलोकन करेंगे। अभी सीसीटीवी फुटेज वो देखा गया है जो प्रिंसिपल के रूम का घटनास्थल के आसपास का है, उसका अवलोकन करके साक्ष्य संग्रहित किया गया है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो भी लोग शामिल होंगे, जिसकी जो भी भूमिका होगी, उन सबको गिरफ्तार करके आपके कार्य की। इसके लिए डीएम साहब को पत्राचार किया जाएगा, संबंधित विभाग को पत्राचार किया जाएगा, क्योंकि हमारे लिए वो एक क्राइम सीन है और क्राइम सीन से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य प्रॉपर तरीके से संकलित किया गया है, उसको भी फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजा जाएगा। उसके अलावा जो भी प्रशासनिक कार्रवाई उसमें होंगी, उसके लिए संबंधित विभाग को लिखा पढ़ी सूचित किया जाएगा। सर आप एक काम करिए, मम्मी का नंबर दे दीजिए, पिता का भी नंबर हमारे पास था, मैंने खुद मैं ठीक है आपको दे दीजिए नंबर। तो नंबर लिया, फिर मैंने उनकी मम्मी से बात की, थोड़ी देर के बाद मैं बच्चों को लेके आ जाऊँगी, छोटे बच्चों को, और उसी का इंतजार हम लोग कर। और उसके बाद मैं अपने क्लासेस में चला गया, सेवन पीरियड चल रही थी, मैं पढ़ा रहा था, 10 से 15 मिनट का भी डिफरेंस हुआ। और उसके बाद एक डेढ़ घंटा गुमराह करते हुए बच्ची मर चुकी थी, आप लोग बताते नहीं, कोई बात नहीं, आप कोई बच्ची नहीं किया है। मैटर यहाँ पे ये था कि बच्ची जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसके साथ हॉस्पिटल ले जाएंगे, पहले पहला काम तो ये है हमारा, पहले हम उसको बचाने की कोशिश करेंगे। पहले तो वही किया गया, पहले उसको बचाने की कोशिश की गई, अगर हॉस्पिटल ले गए फिर वहाँ उन्होंने मना कर दिया, तो सोचा फिर लाइफ लाइन ले गया आदमी, वहाँ भी जो कर दिया गया। तो ये सब काम में 5 मिनट तो लगेगा नहीं सर, अगर आप इतना यहाँ वहाँ दौड़ेंगे तो कम से कम 15-20 मिनट तो लगेगा। और गार्जियन का ये भी आरोप था, तब तक गलत किया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है तो उनकी मतलब क्या मैं कहूँ, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, चूँकि हॉस्पिटल लेट जाते समय एम्बुलेंस में उसके कपड़े वो पड़ गए थे, उसको फिर हम लोगों ने कहा, हमारा उद्देश्य यही था कि उसको सीट लग जाए। ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा सोच रहे हैं गार्जियन, या तो किसी बहकाव में आए हैं, या तो उसका उद्देश्य बदल गया हो, या जो भी जो मोबाइल मिला या कुछ मिला, तो आपने प्रबंधन को सूचना दिया था? ठीक है, आप लोग वहाँ मैनेजमेंट को देख रहे हैं, आप लोग प्रशासनिक देख रहे हैं, लेकिन क्या प्रबंधन को जानकारी में विश्वास कर लिया? जैसे मोबाइल में चेकिंग होती है, छुट्टी चेकिंग होती है, हर स्कूलों में होती है, क्योंकि हमारे स्कूल में नहीं हो रहा है, अब स्कूल में बच्चे मोबाइल ले आना किसी भी स्कूल में अलाउड नहीं है, सभी बच्चे। तो बस ये उद्देश्य था कि रूटीन चेकिंग में है, महीने में 15 दिन में कभी कभी ऐसे रूटीन चेकिंग हो जाती है। तो फ्राइडे को हुआ था, शुक्रवार को चेकिंग, उस दिन मैम अब्सेंट थी, तो अब हम कैसे भी लेना चाहिए, मैम बता दी मैं कोई कर 2 दिन, और 2 दिन छुट्टी हो गई शनिवार और रविवार, तो सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, तो 2 दिन तो किसी ने कुछ किया ही नहीं, कोई एक्टिविटी ही नहीं थी। जो भी हुआ वो सोमवार को हुआ, सोमवार को आने के बाद पहले वाइपा था, मैंने फर्स्ट पीरियड से, मैं खुद क्लास टीचर हूँ, मैंने वाइपा लिया फर्स्ट पीरियड में उस बच्ची का, और अच्छे से उसने वाइपा दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। लिटल लंच के बाद जो है फिफ्थ पीरियड के बाद फिर 6th पीरियड मेरी पीरियड फ्री रहती है, तो उसी समय मैंने बोला है कि जो है मेरी मोबाइल रेंज पकड़ी गई है और आपकी गाड़ी को फोन कर दिया, क्योंकि अब मैं एक क्लास टीचर हूँ तो मेरे ही पास नंबर होगा। मैं गया स्टाफ रूम में बैठा, फिर वहाँ पर रजिस्टर ओपन किया, फिर पिताजी का नंबर था इनके, मैंने पिताजी को फ़ोन किया, तो बोले कि आप मुझे बता दीजिए मैं ही आ जाऊँ। तो मैं कहा आप दुकान छोड़ के क्यों आएंगे, छोड़िए नॉर्मल सी बात है, जो है मम्मी को भेज, मम्मी का नंबर दे दीजिए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। हुआ यही बात थी कि उनके माता जी को फोन किया गया, तो बोले कि सर 1:30 बजे छोटे बच्चे की छुट्टी होती है, तो उसको लेकर के आऊँगा, तो कोई बात नहीं, अभी समय आप आराम से आ जाइए। अच्छा, बस यही कह करके मैं 7th पीरियड नहीं, 6th से 6th पीरियड में 30-35 मिनट का होता है, तो ये करके मैं अपने 7th पीरियड क्लास ले रहा था, और जब 7th पीरियड चल रही थी 10 या 15 मिनट छुटे होंगे 7th पीरियड का, उसी समय दुर्घटना हो गई, और उनके गार्जियन भी फिर मुझे लगता है 140 या 145 तक आ गए। कोई अंदेशा नहीं था कि बच्ची ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई अंदेशा अगर होता तो हमारे भी बच्चे, और हम लोग शिक्षा का काम करते हैं, बच्चों को समझाना बचाना यही हमारी जिम्मेदारी है, इसके अलावा हम मारने का तो काम करते हैं, बच्चों को बचाने का काम करते हैं।